तो इसी के अंदर गिर गया, पत्थर वगैरह सारे उसी के ऊपर आ गए थे, तो बेचारे की भाई ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो यार आपकी जाने बड़ी कीमती हैं, थोड़ा सा ख्याल किया करें। लेडीज का बिल खैर से बने 35,200, 35,000 इन सूट्स का बना है। अबे कैमरे में कुछ बोल दो जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आपको पता है मैंने इंट्रो बिल्कुल ना रोड के ऊपर खड़े होके दिया, वही एक सामने गाड़ी पार्क की है, बिल्कुल मेन रोड है यहाँ। सारे लोग ना देख रहे हैं, पता नहीं ये बंदा पागल हो गया ना, बीच रोड पे क्या मोबाइल के साथ लगी जा रहा है। जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में, फिर आपसे बात करता हूँ मैं। आए आइए, ये कौन बैठा है गाड़ी में, हाथ मिलाओ, कैची हो चले। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अल्लाह के फजलो करम से होंगे। खैर से आज के नए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट, और अभी सबसे पहला काम ये करना है कि चल के हया को पिक करना है। और आज तो हमारे साथ जनाबे आलिया आइजल भी आई हुई है, हेलो कर दो, हेलो कर दो। जी हेलो भी इसने कर दिया। वैसे ये बात कैमरे को ना, हमारे बच्चे माशाल्लाह ऐसे है ना, कैमरे देख के ना उनके यहाँ जिप लग जाते हैं, बिल्कुल चुप। वैसे इतना बोलेंगे, इतना किट किट करेंगे, लेकिन हम जब गए बेटा कैमरे में कुछ बोल दो, कैमरा आने रिकॉर्डिंग हो रही, अबे कैमरे में कुछ बोल दो, नहीं फिर उस टाइम चुप हो जाते हैं। लेकिन खैर आज इसने हेलो कर दिया, ये बड़ी बात है। हया के स्कूल जब भी जाते हैं ना, गाड़ी के टायरों का बेड़ा एकदम गर्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा रोड के ऊपर इन्होंने रोड़ा वगैरह डाला हुआ, और बड़े बड़े इतने इतने पत्थर हैं जो टायर को ना खा जाते हैं। पता नहीं न जाने कब इनके काम शाम कंस्ट्रक्शन के खत्म होंगे। माशाल्लाह डीए खान के जो कंस्ट्रक्शन के काम है ना, कभी जिंदगी में पूरे नहीं हुए, जब से हम पैदा हुए हैं ना यहाँ के, कभी रोड बन रहे हैं, कभी सीवरेज बन रही है। हया को खैर से स्कूल से पिक कर लिया, और आप मुझे ये बताओ इतना टाइम क्यों लगा देते हो, पूरे 5 मिनट में आपके लिए बाहर, 10 भी छुट्टी थी आपकी, 15 गई थी ट्विस्ट लेने लंबी वाली। आज रोजा नहीं रखा? नहीं। खा लिया? नहीं। आज इसने जी रोजा भी नहीं रखा मैडम ने, कल से मैं बस फ्राइडे। हम यार वैसे छोटी है ना, फिर बच्चे हैं आपको पता है, तंग होते हैं, स्कूल भी इसने जाना होता है। अभी तक इसने सारे रखे थे, लेकिन आज पहला इसने है जो। यार हयागुल को पिक कर लिया घर से, सीधा आपको पहुँच के ना घर मिलते हैं। घर जाते जाते ना सामने रोड बंद हो गई, ये देखें ये अजाब देखें, डबल गाड़ियां आ गई हैं और लेन बंद। ये क्या है, ये बंदा का है यार, इस रोड पे ना बड़ा मसला है ये। जब भी थोड़ी बहुत गाड़ियां ज्यादा होती हैं ना, क्योंकि सिंगल रोड है, ये ऊपर चढ़ा नहीं रहा भाई, अल्लाह के बंदे ऊपर चढ़ा लो, बड़ी गाड़ी है नहीं, लेकिन जी इसी लाइन पे लेके आनी है, बंद है अब, जलील हो रश में। चलें जी खैर से घर पहुँच गए, दुआ को भेजो उसे कहो बैग ले जाए आपका, मिरर्स वगैरह लॉक करते हैं यार, फिर ऐसा ना हो गाड़ी वाला आके ना ठोक जाए, पता नहीं चलता। चलें जी, यार पीछे लाइट पड़ी थी मेरी, ये कहाँ गई, ये पड़ी है मेरी वीडियो लाइट पड़ी थी, ये परसों बखर गए थे खाने पे, ये उस दिन से ना गाड़ी में ही पड़ी है। आज दूसरा दिन है, मैंने कहा चलो पिक कर लूँ, भूल ही जाते हैं सामान, हम इसको चल के अंदर रखते हैं। अभी इतने दिनों बाद खैर से मुझे भी फुर्सत मिल गई है, अभी जाना है बाजार और मुश्किल से कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं, जाके आपको भी दिखाते हैं, कोई सूट वगैरह तो ले लें, बाकी सामान तो फिर लेते रहेंगे आज। चलो टाइम मिल गया, कल भी रह गए थे, अभी चल के फिर मिलते हैं आप लोगों को सीधा बाजार में। यार बाजार पहुंच गए, खैर से गाड़ी को करते हैं यहीं पर पार्क, भाई गाड़ी को पार्क कर देना, ठीक है फिर वापसी पे आके मैं पिक कर लेता हूँ, ठीक है। इधर से फिर पैदल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अंदर तो गाड़ी जाती नहीं है, इधर ही पार्क करते हैं और फिर आपको सीधा चल के ना कपड़ों की शॉप पे मिलता हूँ। यार कपड़ों की शॉप पे आए थे, ये 3 कलर पसंद किए हैं, एक ये कलर है, ये जो कलर है, एक ये कलर है, एक साथ में ये कलर की है, और एक ये वाइट कलर की है। ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये प्रिंट वाले हैं, प्रिंट वाले इस वजह से कहेंगे, क्योंकि शादी पे सबके प्लेन सूट होंगे, तो कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना दूल्हे में और आम बंदे में, तो इस वजह से ना ये प्रिंटेड मैंने सेलेक्ट किए हैं, कि इनका थीम ज़रा अच्छा है दूल्हा, ताकि थोड़ा सा अलग लगे ना सबसे, ये 3 कलर सेलेक्ट किए हैं। यार एक शॉप से ना ये 3 सूट तो पसंद कर लिए हैं, मजीद किसी और शॉप से चल के देखते हैं वहाँ पर कुछ पसंद आते, क्योंकि सारी शॉपिंग ना एक ही जगह से भी नहीं करनी चाहिए, अलग अलग जगह पर जाना चाहिए और डिफरेंट चीज़ें देखनी चाहिए, ताकि वैराइटी ज़रा चेंज हो ना। अभी कहीं और चल के देखते हैं, कोई पसंद आए तो वो भी लेते हैं। अच्छा जी खैर सी, जेंट्स की हमारी शॉपिंग तो हो गई थी कंप्लीट, अभी रहते हैं लेडीज के सूट। सूट तो आपको दिखाता हूँ, ये जी आ गए सूट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, भाई लेडीज के सारे सूट वगैरह आ गए हैं। बिल इस जोड़ दो, बिल दिखाता हूँ आपको, बिल कितना बना रुपये से रहेगी।
भाई हम जेंट्स जो है ना वो बड़े सोखे रह जाते हैं, लेडीज का बिल खैर से बने 35,200, 35,000 इन सूट्स का बना है। क्या ही बात है भाई, सही जेब टाइट होने वाली है। ये भाई एक मिले, क्या नाम है भाई आपका? नुमान। ये नुमान भाई मिले हैं, ये कहते हैं इनका भी यूट्यूब चैनल है। किस नेम से यूट्यूब चैनल है आपका भाई? चौधरी नुमान के नेम से भाई के चैनल है। यार इनके चैनल पे भी जाके लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट लाजमी कर देना। डॉलर ड्रीम्स की जो आर्मी है ना, तो कमेंट लाजमी कर देना, भाई को दिखाना जो लव सपोर्ट हो सकती है। शादी जब भी कोई होती है ना तो नोटों की ऐसी गठियां निकलती हैं जेब से। ये देखिए भाई खुशी खुशी ले रहे हैं हमारी जेबें खाली करके, और बदले में ये तीन सिर्फ शॉपर यही मिल रहे हैं यार 35,000 के ये। अच्छा जी, बाजार से शॉपिंग वगैरह करने के बाद अभी पहुंचे हैं दुरानी ज्वेलर पे। भाई की कॉल आई हुई थी, वो हमारा जो चेन था एक वो रेडी हो चुका था। अभी मैंने कहा चलो जाते हुए वो भी रिसीव कर लेते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। ये जी चैन का बॉक्स है, आपको जरा अभी ना क्लोजर लुक इसके दिखाता हूँ। ये अभी सही से नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये चैन थी। खैर से जी, शॉपिंग वगैरह करने के बाद वापस से पहुंचे हैं पार्किंग में, अभी चल के गाड़ी को पिक करते हैं। चाबी ले लेते हैं भाई से, पिक कर लेते हैं चाबी। कहाँ पे खड़ी है गाड़ी? चल ठीक, मेहरबानी। चलें जी, की पिक कर ली है। अभी सबसे जो मुझे जिस बात का डर है ना, गाड़ी फुल तपी पड़ी होगी क्योंकि धूप पे खड़ी है। वॉश अनलॉक करते हैं गाड़ी को। हाय 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 हाय, सेक बाहर तक निकल के आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह, चारों शीशे डाउन कर लेते हैं ताकि ये सेक निकल जाए जरा गाड़ी से। एसी ऑन कर लेते हैं, टेम्परेचर जरा कूल हो जाए। गाड़ी को किया है साइड पे पार्क। मैंने कहा घर जाने से पहले ने चिकन ले लेता हूँ क्योंकि अफ्तारी में फिर जरूरत पड़ती है। सामने पहुंचे हैं चिकन शॉप पे, यहाँ से भी चिकन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किस तरह किलो? ऐसा कर दें 1,000 रुपये का कर दें, ठीक है। एक फुल मुर्गी कर दें और बाकी जो होते तो वो साथ में लेग ऐड कर देना, ठीक है। चलें जी, चिकन वगैरह खैर से ले लिया, अभी रहती है दही। और दही दोपहर के टाइम यहाँ से मिलना इम्पॉसिबल है, वो कैंट से जाके लेते हैं क्योंकि वहाँ पे इतना रश नहीं होता, तो इजीली दही वहाँ से मिल जाती है। अच्छा जी, खैर से घर का सामान वगैरह सारा ले लिया था, पकौड़े समोसे दही बल्ले कतलमे कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो सब कुछ ले लिया था। 30-40 मिनट रह रहे थे, मैंने कहा क्यों ना आज आपको भी थोड़ा सा दरिया सिंध के नज़ारे दिखा दूँ और हम मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। अगर आपका ताल्लुक है डेरे इस्माइल खान से तो भाई जान आपको पता होगा ये डेरे इस्माइल खान का ना कदीमी एक पॉइंट है और इसको मिडवे के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मिडवे जो होटल है ना, बेसिकली ये आपको सामने नजर आ रहा होगा, ये कैमरा मेरा दिखाया आपको, ये है असल मेन मिडवे होटल। और यहाँ पर मोस्टली लोग आते हैं सैरा और तफरी के लिए, असर के टाइम काफी एक माहौल यहाँ पर बनाया होता है इन्होंने। हर बंदा आ रहा होता है फैमिली के साथ आउटिंग के लिए, लोग गपशप लगाते हैं। सामने भी अभी आपको चल के मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा गाड़ियां वगैरह खड़ी होंगी, लोग बैठे होते हैं। ये नीचे इन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं, यहाँ पे चिप्स वगैरह फ्राइज वगैरह स्नैक्स का सारा इंतजाम इन्होंने किया होता है। काफी इस टाइम पे ना एक रश वाला माहौल बना होता है शुगल के लिए। बस हमारे पास एक यही जगह है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास जहाँ हम आए और थोड़ा सा शुगल मुगल करें। एक यही मेन जगह है, इसको मिडवे के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा जी, गाड़ी से नीचे उतर के ना मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा लाइव भी नजारा दिखा दूं। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ना, ये है मेन मिडवे होटल। ये जब हम बिल्कुल नन्हे मुन्ने से छोटे थे ना, तब उस टाइम पे यहाँ पे आते थे और बड़ा एक फैमिली के साथ डिनर का प्लान होता था। यार बड़े हसीन यादें जुड़ी हुई हैं मेरे इस मिडवे होटल के साथ। अब तो खैर ना वो मालिक रहे ना इसके वो ओनर रहे जो इसको रन करते थे, अब मुझे पता भी नहीं है कन्फर्म कि अभी तक ऑन है या नहीं, इसको चलता है या नहीं चलता। खैर, और इस साइड पर कभी एक ज़माने में हम आया करते थे, यहाँ पर फ्राइज़ वगैरह खाते थे और बड़ा एक सीटिंग का एरिया इन्होंने ओके किया है यहाँ पर फ्राइज़ वगैरह। ये केबन अभी तो रमज़ान है इस वजह से इन्होंने बंद किए हुए, यहाँ पे बारबेक्यू का सीन होता था और कढ़ाइयाँ वगैरह, इधर कटलेट्स वगैरह शामी, ये सारे सीन जो है ना यहाँ पे होते थे। यार बड़ा ही मज़ा आता था। अभी ना आपको मैं यहाँ की एक टी दिखाता हूँ जिसके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये टी, सामने थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, अभी क्लियर होगी। ये टी नज़र आई है, ये टी, इसके बारे में ना एक बात मशहूर थी कि यहाँ पे कोई ट्रक वाला बेचारा आया था, वो पत्थर वगैरह गिरा रहा, तो इसी के अंदर गिर गया, पत्थर वगैरह सारे उसी के ऊपर आ गए थे, तो बेचारे की वही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो यार आपकी जानें बड़ी कीमती हैं, थोड़ा सा ख्याल किया करें, स्पेशल जो मेरे डीआई खान के देखने वाले भाई हैं ना, तो अक्सर जुमे पे यहाँ आके ना बैठ जाते हैं किनारों पे, पत्थरों के साथ खेलते हैं, तो थोड़ा सा ना अपनी सेफ्टी का भी ख्याल किया करो। और ये रहा फैमिली पार्क, फन सिटी जो पार्क है, फैमिली पार्क है ये, यहाँ पर काफ़ी रौनक लगी रहती है, शुगल मेला लगा रहता है, इधर भी फैमिलीज आती हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं। अंदर से तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, तकरीबन 10-1 मिनट रहते होंगे।
इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको अंदर कभी विजिट करवाऊंगा। अभी के लिए चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि टाइम भी कम रह गया है अफ्तारी में। चलें जी, बिस्मिल्लाह। खैर से जी घर पहुंच गए हैं, अफ्तारी का टाइम भी होने लगे और दस्तरखान लग चुके हैं। अभी आपको दिखाता हूँ दस्तरखान पे आज हमारे पास क्या क्या है। ये जी पहले पहले पड़े हैं कतलम्मे, चिकन कतलम्मा। ये रोटी है, ये आ गया आलू गोश्त, ये आ गया बीफ पुलाव, ये आ गया कचूमर सलाद, ये चिप्स बनवाई है मैंने क्योंकि मुझे चिप्स बहुत अच्छी लगती हैं। ये रफ़ा वाले शरबत, वो अचार आ गए, ये खजूर आ गई हैं, ये दही भल्ले, सामने फ्रूट चाट पड़ा हुआ है, ये आलू के पकौड़े आ गए हैं, ये समोसा और ये चिकन पकौड़ा और फिर ये आलू गोश्त। इसमें लपड़ के जी रोज़ा खोलते हैं। खैर से जी अफ्तारी वगैरह कर ली है, रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह खोल ली है और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।